और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर चुनावों में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले गुजरात और फिर कर्नाटक के चुनावों में ईवीएम में छेड़छाड़ की गई। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग भी कोई एक्शन नहीं लेते। तो आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सीधा हमला बोला है केंद्र सरकार पे और कहा कि जब भी चुनाव आते हैं केंद्रीय सरकार जानबूझ के, ये गुजरात में भी उन्होंने किया, कर्नाटक में भी कई जगह किया और बाई इलेक्शन में तो विशेष रूप से बड़े पैमाने पे करती, और बहाने से इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी किया था, मेयर्स के इलेक्शन में भी किए थे, और ये जानबूझकर कुछ मशीनों को ख़राब करते हैं और फिर जो दूसरी मशीनें लाते हैं वो वोटों से पहले ही भरी हुई होती हैं। ये भारतीय